ब्यावर जिला बनाऊ सहित विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में बुधवार को शहर के चांग गेट स्थित कुमारानंद सर्किल पर आंदोलन का आगाज हुआ। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में ये बीएड, बीएससी बीएड, बीए एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही एससी एसटी कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। बुधवार को पहले दिन विधायक रावत के साथ नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, पूर्व भाजपा अध्यक्ष जय किशन बल्दवा, दिनेश कटारिया, भाजपा नेता सुभाष चौधरी धरने पर बैठे। धरने को संबोधित करते हुए विधायक रावत, सभापति कनौजिया, उपसभापति रिखब खटोड़, सरपंच संघ के अध्यक्ष पदम सिंह सुहावा, पूर्व सभापति जय सिंह राजपुरोहित, सुनील मुंदड़ा आदि ने राज्य की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जन विरोधी सरकार करार दिया। इस दौरान विधायक रावत ने विधायक कोष से ग्रामीण क्षेत्र की 2 दिव्यांग महिला और पुरुषों को तिपहिया एक्टिवा स्कूटर भी वितरित कराए। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी, भाजपा पार्षद व अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, बीसीए बीबीए फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मैं पूछना चाहता हूँ उनको, जो अध्यक्ष जी बैठी आप, मैं पूछना चाहता हूँ, जब भी धरने का नाम लेते हैं उनको परेशानी खड़ी हो जाती है, पेट में पता नहीं क्या क्या तकलीफ शुरू हो जाती है। भाई जनता की मांग है, जनता जो चाहती है काम हमारी को मिलना चाहिए, सरकार का ये फर्ज बनता है। ब्यावर जिले की मांग कई वर्षों से चल रही है और ब्यावर की जिले की मांग करते हैं तो कई लोगों के मरोड़े चलने लग जाते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ तकलीफ क्या है, तकलीफ कोई और लग रही है जिसको आप बता नहीं पा रहे हैं। हमें अच्छी तरह से पता है आपका पेट में क्या दर्द है। जो जल और जिले को लेकर इनका आंदोलन किया था आपने, और एक बहुत बड़ा काम जो ब्यावर की जनता, ब्यावर की ग्रामीण जनता, ब्यावर विधानसभा के लिए हुआ था, गांव गांव में जो कभी पानी के लिए लोग सपना देखा करते थे, आज पानी की टंकियां बन रही है, पानी पहुंचाने की कोशिश लगातार